संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती फरीदाबाद के सरकारी जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय में मनाई गई। यहां शिक्षाविद प्रोफेसर देव प्रसाद भारद्वाज, कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार के साथ साथ कुल सचिव डॉक्टर SK गर्ग और अन्य अधिकारियों ने भारत के महान समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद मंच द्वारा निदेशक युवा कल्याण डॉक्टर प्रदीप डिमरी की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर देव प्रसाद भारद्वाज ने कहा कि हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज के लिए काम किए हैं। आज इसीलिए ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में यह झूठ फैला हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू विरोधी हैं, जबकि उन्हें कई मुस्लिम देशों से बड़े बड़े प्रलोभन उनके धर्म को अपनाने के लिए मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने भारत देश के लिए कानून बनाया। देखिए, हमारे यहाँ समाज सुधारकों का और महापुरुषों का हमारे समाज में बहुत विशिष्ट स्थान रहा है, और इसमें ये महापुरुष इसलिए हुए हैं कि ये किसी जाति विशेष के, किसी पूजा पद्धति विशेष के, किसी संप्रदाय विशेष के लोग नहीं थे। इन्होंने उन बेड़ियों को तोड़ करके, उन कुप्रथाओं को समाप्त करके जो काम किए हैं समाज के लिए, इसलिए वो महान व्यक्तित्व बने, महापुरुष बने। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस परिस्थितियों में उनका बचपन गुजरा, जिस अपमान के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, नौकरी की, उसके बावजूद अगर उन्होंने समाज सुधार का काम किया है, समाज के लिए उन्होंने कुछ चिंता व्यक्त की है, तो ये उनको महापुरुष की श्रेणी में अपने आप ले आता है। संविधान निर्माता के रूप में तो हम सब जानते हैं उनको, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में हैं। मेरा आज के दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र निवेदन है कि उनके व्यक्तित्व का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। उनका चिंतन इतना गहरा है, उनका सोच इतना विशाल है कि उस विशालता और उस गहराई को हमको बहुत गहराई तक सोचना और समझना चाहिए। एक उदाहरण देकर के मैं विषय को ख़त्म करूँगा। उनको आमतौर पर हिंदू विरोधी माना जाता है, वे हिंदू विरोधी थे। मैं ये कहता हूँ कि वो जितने ज़्यादा हिंदू समर्थक थे, शायद विश्व का कोई समाज सुधारक इतना समर्थक नहीं था। कितने प्रलोभन आए उनके पास। उन्होंने कहा था कि मेरी मजबूरी रही है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं उसमें मरूंगा नहीं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उसके पीछे का भाव समझिए, अगर वो हिंदू धर्म के विरोधी होते, उसको समाप्त करने की सोचते, तो कभी भी वो प्रलोभनों के आगे झुक सकते थे। निजाम हैदराबाद ने उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रलोभन भेजे कि अपने तमाम अनुयायियों के साथ आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए। यूरोपीय देशों ने उनके पास बहुत आग्रह और प्रलोभन भेजे कि आप ईसाई मत को स्वीकार कर लीजिए। सोचिए जरा, अगर वो हिंदू धर्म का विरोध करते, हिंदू धर्म विरोधी होते, तो अपने अनुयायियों के साथ इनमें से किसी एक को अपना सकते थे और हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं उस मत को अपनाऊंगा जिसका जन्म भारत की भूमि से ही हुआ हो, और उन्होंने इसलिए बौद्ध मत को अपनाया, किसी दूसरे विदेशी मत संप्रदाय को उन्होंने अपना से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए उनको ये कहना कि वो हिंदू धर्म विरोधी हैं, मेरी समझ में उनको पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, और उनकी व्यापक सोच को एक तरह से उजागर करते हुए इस रूप में उनका चिंतन होना चाहिए। मैं उनको पुनः श्रद्धा सुमन। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।